subscribe and click the bell icon for television updates. आजकल तो सब डिजिटल हो गया है, आप अपने करवाए कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट के डिजिटल होने में 2-3 दिन लगेंगे। आप अपने पापा का मृत्यु प्रमाण पत्र दे दीजिए मुझे। जरूरत है तभी तो मांगी है, घर पे इनके पापा का नाम था ना। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि काम हो जाए इधर डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत ही ना पड़े। पहले कभी आपने अपने मकान को बेचने के बाद भी तो नहीं की थी ना। देखिए ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट नहीं तो कॉपी भी चल जाएगी, उससे भी काम चल जाएगा। गौतम जी मैं चलता हूँ, आप सर्टिफिकेट मेरे ऑफिस पहुँचा दीजिएगा। ठीक है जी। जैसा हम इतने सवाल जवाब करने की क्या जरूरत थी, डेथ सर्टिफिकेट दे दीजिए ना पापा का उनको। आपको पता है मुझे अहमदाबाद जाना है कल जॉब ज्वाइन करने के लिए, आप लोग इतनी लेट लतीफी क्यों कर रहे हो? अच्छी तरह से संभाल के नहीं रखा, अब क्या करेंगे हम? वो श्वेता तो दुकान पे कुंडली मार के बैठी हुई है। एक डासू आइडिया, श्वेता जब दुकान बंद करेगी ना अपन रात को जाके ताला तोड़ देते, ताला तोड़ के दुकान के अंदर घुस के ना फ्रेम निकाल के ले आएंगे। क्या बोलते हो? शिवा ऐसे तो बकवास वाले आइडिया ना देना बंद कर दे। एक भाई श्वेता को जान से मारने की बात कर रहे हैं और दूसरा भाई अपनी दुकान में डाका डालने। अरे हमें दुकान छुड़वानी है ना कि मुसीबत को न्योता देना। अगर हम सब में से कोई जाके ये काम कर सकता है तो वो है कृष, लेकिन अगर अगर उसने जाके सारा प्लान आगे का श्वेता को बता दिया फिर हम क्या करेंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा? और वैसे भी उसे तो आप ही की माना, मैं माना कि अपना पिता ढंकन है, अभी ना अपने पास कोई चॉइस नहीं है। सीन में हमने देखा है काफ़ी परेशान है आप सब, कुछ यू नो काफ़ी परेशानी का माहौल है घर में, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? कि हम बहुत परेशान हैं कि हम बहुत परेशान हैं क्योंकि श्वेता ने हमारी दुकान भी ले ली है, हमारे सारे पैसे भी ले लिए हैं और अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, तो हम ये सोच रहे हैं कि दुकान वापस कैसे लें। और इस पूरे प्लानिंग के दौरान हमें पता चलता है कि पापा की जो डेथ सर्टिफिकेट है वो भी दुकान में है, उनके फोटो फ्रेम के अंदर जो गॉम्बी ने रखी थी कुछ पर्सनल इमोशनल रीजन से, तो अब प्लानिंग ये चल रही है कि वो डेथ सर्टिफिकेट दुकान के अंदर जाके कैसे लाया जाए क्योंकि दुकान तो श्वेता के पास है। ओके सो फैंस का ना बहुत प्यार मिला, उनके काफ़ी डीएम्स आते रहते हैं मुझे, बहुत प्यार मिला, क्या कहेंगे उन फैंस को जितना प्यार करे पांड्या स्टोर को? फैंस को तो यही कहेंगे कि आपका प्यार ही है जो जो इस शो को पांड्या स्टोर को पांड्या स्टोर बनाता है, शिवा रावि को शिवा रावि बनाता है, इस शो के हर कैरेक्टर को जो वो है वो बनाता है। या आई मीन लोगों की जो उम्मीद होती है वो हमें मोटिवेट करता है कि हम और मेहनत करें, अपना बेस्ट दें। सो या थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरीवन। काफी टाइम बाद आपको आज मिले हैं हम एंड पांड्या स्टोर भी इनवाइट, बहुत टाइम बाद है, तो क्या कुछ कहेंगे? घर पे बहुत यू नो माहौल ख़राब है दुकान के वजह से या फिर सब टेंशन में, क्या कहेंगे उसके? पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आप बहुत टाइम के बाद आए हैं तो वेलकम। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि घर पे वी आर रियली सॉरी कि आप लोग आए और हम आपको एंटरटेन नहीं कर पाए क्योंकि हम अपने घर में इतने उलझे हुए हैं, हमारे घर से क्या कहते हैं हमारा जो पांड्या स्टोर है वो हमसे छिन चुका है, श्वेता ने उसको हमसे चुरा लिया है और हम लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं, और जब कोई मेहमान आता है तो हमें लड़ना तो चाहिए नहीं, उनका वेलकम करना चाहिए, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर डाउट कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं और यही बोल रहे हैं कि पांड्या स्टोर तो अब हमारे हाथ से निकल गया मतलब। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगा पांड्या स्टोर हमेशा पांड्या परिवार का था, है और रहेगा, और आपको अपना फेवरेट शो देखने का ऐसे ही आप देखते रहिए अपना ये शो ऐसे ही। ओके सो इसके सारे प्लॉट्स फैंस को काफ़ी पसंद आते हैं, उनके काफ़ी डीएम्स आते रहते हैं कि हमें पसंद है, इवन उनके क्रेडिट्स वीडियोस एडिट होते हैं, कैसे लगता है जब वो आप देखते हो? देखिए जब किसी चीज़ को लेके अप्रिसिएशन होती है तो बहुत अच्छा लगता है, जब गाली पड़ती है तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसमें क्या है ना कि फैंस जो भी कह रहे हैं वो अपने प्यार से कह रहे हैं, बट अभी तक 70-80% सबको अच्छा ही लग रहा है जो ट्रैक अभी चल रहा है। और मैं इतना कहना चाहूँगा जो आगे ट्रैक आ भी रहा है वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा आप लोगों के लिए, कमाल का ट्रैक है टू वॉच पांड्या स्टोर, जिन लोगों ने नहीं देख रहे थे वो भी देखना शुरू कर दीजिए, जो लोग पहले से देख रहे थे उनके लिए तो दे विल हैव अ ब्लास्ट।